पैसे लाए हो ना, मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो उधार ले लेंगे, भूल गई बचपन में बनियों से सब उधार ही चलता था। सब अंकल लोग मुझे टॉफी चॉकलेट फ्री देते थे, कहते तुझे आप पंजी बाद में दे देना। पंजी मतलब 5 रुपए? नहीं पंजी 25 पैसे। 5 पैसे? ओ हमारा तो वही जमाना था ना। जमाना कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे क्या ही समझेंगे, कहेंगे क्या ही बोल रही है आंटी। पीपल वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, हम तैयार हो गए हैं बिल्कुल, मतलब अविनाश अभी तैयार हो रहा है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मुझे अभी जाना है जिम, बच्चों को नीचे खाना दे दिया है तो अभी जिम से आऊंगी और फिर बाकी के कार्य शुरू करूंगी। अभी मेरी यहाँ पे आ गई है ग्रीन टी, पहले ग्रीन टी पीऊंगी। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको जो मॉर्निंग में है ना वो एक्चुअल समझ में आएगा, रात की लाइटिंग अलग होती है और मॉर्निंग की एकदम अलग होती है। एंड वी लव टू सिट हियर, बहुत ही मजा आता है, इतना अच्छा लगता है ना। और अभी बारिश भी घमासान वाली होने वाली है, बादल काले काले आ रहे हैं एकदम एकदम काले काले। एनीवे ये मेरी चिट्टी पुट्टी कुट्टी कुका कुकड़े, क्या हुआ आपको? कोई खेल नहीं रहा आपके साथ? कोई भी नहीं खेल रहा क्या आपके साथ? ओ जी मेरे बाबा, इतना तो सुबह से खेले हो तुम, क्या चाहिए और? बहुत बुरा माना हुआ है भाई, उसके साथ कोई खेल नहीं रहा। तो खेल क्यों नहीं रही है उसके साथ, जो खेल रहे थे ऐसा खेल क्यों नहीं रही है? और भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो तो बाहर तोते आ रहे हैं वहाँ पे, इतने बड़े बड़े तोते खाना खा रहे हैं। और आपको खाने का कचरा मैं दिखा दूं ना नीचे तो आप हैरानी रह जाओगे, इतना कचरा फैला हुआ दिखाती हूँ आपको। अब नहीं है, अभी भी गया, ये देखो ये तोतों ने किया, इतना खा चुके हैं ऑलरेडी खाना यार, खाना नीचे आ चुका है, इस पे भी प्लेट पे भी गिरे हुए हैं लेकिन असल तो नीचे गिरे हुए हैं। तो मैं एक बार अपना वर्कआउट वगैरह खत्म कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए चीयर्स। क्या है बैठने देना, सुबह से तो गोदी में थी ना। तो यहाँ पे आ गए अविनाश। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये तुम्हारा डांस है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। दोस्तों घमासान बारिश सुबह का टाइम, आपने देख लिया होगा सुबह कैसी लगती है बालकनी। और ये है मेरे घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि भाई ऐसा घर हो तो आदमी बाहर क्यों निकले। ऐसा भी घर ना बना देना कि भाई काम करने जाने का मन ही ना करे। अभी बालकनी में ऐसा लगता है यही बैठे रहो, यही काम करो, यही खाओ पियो ऐश करो, यही सो जाओ इसी प्लेटफॉर्म पे। ये पता है क्या, पीछे से ना खड़ियों के पत्ते तोड़ रही थी ऊपर आने के बाबा के पास। अरे देखो देखो बारिश देखेंगे हम। ओ ये यहाँ पे मेरा बच्चा बैठ जाता है, मेरे यहाँ पे उधर नहीं जाना। बच्चा तो बहुत ही खराब बच्चा है ना। ये देख लो दोस्तों, दिन का फील, ये रही लाइट है, दिन में तो जल नहीं रही। ये रही ब्लू वॉल, ये रहे ये दो जो संभावना लेके आई है ना चंटू मंटू, ये हमारी फोटो। इस बालकनी में मेरा योगदान जो है ना वो यही है, दो चंटू मंटू। और मेरा तो वो भी नहीं है। एक तो वो एक मैं हूँ, इधर से यही मालूम पड़ रहा है, बस यही योगदान था हमारा इस बालकनी में। और ये देख लीजिए घमासान बारिश, काले बादल। यहाँ पर देखो अभी नेट लगना बाकी है पिजन वाला, और यहाँ पर अभी एसी के कैबिनेट्स आएंगे जो कि निकलवा दिए थे क्योंकि ग्रिल का काम हो रहा था। जो तो अभी मैंने तोते को खाना खाते हुए देखा है, अंदर ही थूका है पूरा, छिलका निकाल के जाते हैं। बड़े बड़े तोते भी, मतलब अमिता अमिता तूने कितने तोते इकट्ठे देखे हैं? 5-6 तोते। अमिता कुटे है इधर, देख इधर तो आया। अरे अमिता सही बता, तुझे कितने तोते देखे हैं? भैया मान नहीं रहा है। नहीं सच में 6-7 तोते थे। 6-7 तोते उसी पे बैठे हुए थे? इतनी तो डंडी नहीं उसमें बैठने के लिए, 6-7 लेकिन यहाँ पे जाली लग जाएगी तो अंदर कैसे आएंगे वो? इसके बाहर लटकाओ जाली के, लेकिन फिर हम भरेंगे कैसे उसमें खाना? कुछ सोचो ना बेबी, इसके नीचे लटका सकते हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा सा बताओ ना कि अगर इधर लगाना हो तो कैसे लगाए, थोड़ा सा प्लीज बताओ हमें यार। मेरा बहुत दिल है कि यहाँ पे भी पैरेट्स के लिए लगा देना चाहिए ना अमिता। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ की जगह बाहर लगाते हैं ना हॉल में, हॉल वाली बालकनी में उधर नहीं आएंगे, वो आगे का हिस्सा है ना, ये साइड का है जहाँ पे ये फिरते हैं। ये इनका अड्डा है, ये इनका अड्डा है, पीछे वाला इनका अड्डा है, खुला है ना हॉल, आगे बिल्डिंग आ जाती है। और आप लोग ये देख लो इधर का एरिया भी, ये रही हमारी येलो, क्या बोलेंगे इसको, जो भी है ये हमारा येलो सेक्शन मिरर वाला, ये रहा प्लांट, येलो बॉल, ये रहा लैम्प, अभी कैंडल नहीं जल रही है। लोचा मेरे साथ ही ऊपर आ रहा था, लिफ्ट में आएगा, धीरे धीरे आएगा, लिफ्ट में आ गया
अंदर, मैंने भगाया बाहर, कह चल आज घर देख के आता हूँ। बेबी आज तुम्हारा रेबीज का इंजेक्शन ड्यू है, देखो क्या टाइम पे याद आया। आज क्या तारीख हो गई? आज ही है ना, आज 14th डे है उसके बाद, और आज कोको का भी इंजेक्शन ड्यू है। नहीं कोको के लिए तो 3 दिन के बाद मिला है। अच्छा, तो मैंने पूछा डॉक्टर से, अभी बात करी थी। अच्छा उसका इंजेक्शन याद है मुझे, अपना मेरा भूल गई। अपने डॉक्टर वापस आ गए रेबीज वाले? हाँ, नहीं नहीं मालूम नहीं, वो फोन करके अभी पता करती हूँ। फोन करती हूँ मैं अभी, इधर ही आ रही हूँ। जूते पहन के बेबी उधर पैर मत लटकाओ, फिर ये भी जाएंगे ना। कोई नहीं जाएगा बेबी, कोई नहीं जाएगा, रिलैक्स करो, रिलैक्स। आओ ना, तुम भी आओ ना, रोमांस करते हैं खुले में। और क्या कैसे कर, क्या करना है, बैठना ही है पास में, और क्या। आइए बैठिए, आइए। ये बीच में आ जाते हैं ना हमेशा, सो तो भी बीच में सोते हैं, बैठो तो भी बीच में बैठते हैं। आओ बेटा, माँ बेटी का प्यार इधर को निभाओ, चलो इधर आ जाओ बाबू। एक मजा तो आ रहा है, उधर ध्यान देते रहना, वो यार इधर एक भी कूदा ना टंगड़ी टूट जाएगी पूरी। बेबी जीने दो जिंदगी थोड़ी सी। अच्छा लग रहा है बेबी, वहाँ देखो यार, पहाड़ वहाड़ सब दिख रहे हैं। बेबी वो बादल हैं काले, तुमको पहाड़ लग रहा है? पहाड़ नहीं देखे तुमने? कौन सी जिंदगी में रह रहे हो? मैं पोहा है, भुजिया है, आलू की चटनी है, चाय है। अरे तुम तो डाइट पे हो ना, तुम्हें तो वजन कम करना है ना। तो तुम्हारा रहा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। रुको, बहुत गलत है, तो तुम खा लो पोहा, मंगा देता हूँ। मुझे नहीं खाना। तो ये हम लोग निकल गए हैं, मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे, मैं खत्म करूंगी। तब तक अविनाश कह रहा है मैं बैठ के चाय पीऊंगा, ऐसा अविनाश का बोलना है। तो इसको चाय पीने के लिए छोड़ देते हैं, मैं अपनी अपॉइंटमेंट खत्म करके और फिर आपसे मिलती हूँ, और फिर मैं जाऊंगी कॉफी पीने के लिए। मुझे लगना है रेबीज का इंजेक्शन। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ी सी और दिखाऊं, वो जैसे जैसे होती जाएंगी आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या हो रही है, क्योंकि अभी तक तो हो नहीं पा रही है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। बारिश ने तो तूफान मचाया हुआ भैया, मुंबई तो नॉट इन अ गुड स्टेट। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, जब तक मेरी बेबी ने अपना अपॉइंटमेंट किया तब तक मैंने मैसूर मसाला डोसा खा लिया। आप लोगों ने देखा ही, बड़ा मजा आया। मैसूर मसाला डोसा, नारियल चटनी और पता नहीं 2-3 तरीके की चटनी, लेकिन चाय बड़ी चिटचिटी सी दे दी, मजा नहीं आया चाय में, मजा नहीं आया। मैं बुरा हूँ, खुद से बुरा माना हूँ, अपने आप से बुरा माना हूँ। नहीं अभी ना, अच्छा नहीं किया, क्यों पी जब चिटचिटी थी तो क्यों पी? पता ही नहीं, ऐसा लगा पैसे दे दिए, अब कैसे छोड़ दूं। एक तो एक गंदी आदत जो है ना, पैसे देने के बाद चीज छोड़ी नहीं जाती, ये जो घुस गया ना सिस्टम में अंदर तक, ये बड़ी। पेट तो आपका था, चीनी पता लग रही। अरे ये तो मुझे भी पता है, ये बचपन सुनता रहा हूँ भाई, खाना कम खाओ पेट तो आपका है, फिर भी नहीं रुकता इंसान, क्या करे। ये खाना हम लोगों को मार डालेगा। दोस्तों आज तो ऐसी घमासान बारिश है, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है और तब से 1 घंटे से यही प्लानिंग हो रही है, गाड़ी लेके जाऊं, ऑटो में जाऊं कि कैब में जाऊं। इतनी बारिश हो रही है, गाड़ी लेके जाओगे पार्किंग नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा ही बारिश, दिख रहा नहीं है, ड्राइव करना इतना मुश्किल है, ऑटो में जाओगे भीग जाओगे, कैब में जाओगे तो जब तक कैब आएगी तब तक भीग जाओगे, तो आदमी करे तो करे क्या। जला लेकिन दूसरे को जलाने में मजा भी आया। वाह 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 वाह। अभी कह रहा था मेरे को जाना है मीटिंग के लिए, मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, तो तुम अपने लिए मंगा लो। बदतमीज़ इस चक्कर में अपना मुंह भी जला लिया ना तुमने। ये कैब वाला मोमो वाले के पास क्यों रुक गया इतनी देर से, मोमो खा रहे गए? एक कैब बुलाइए दोस्तों, उसकी लोकेशन देख रहा हूँ, मोमो वाले के पास रुका हुआ है। हेलो, आधी रात को हम लोगों को याद आया है कि हमें राशन खरीदना है थोड़ा, और राशन घर का खत्म हो रहा है, इसलिए हम लोग फटाफट राशन लेने जा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे टमाटर बोल के साथ, क्या हो रहा है ये बच्चों? टमाटर बेच रहे हो? टमाटर बेच रहे हो? चलो एंजॉय।
अब हम दोनों निकले हैं दोस्तों, बारिश बहुत तेज है। ये भारी बारिश में हम लोग निकल चुके हैं सामान लेने के लिए। और पैसे लाए हो ना, मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो उधार ले लेंगे, भूल गई बचपन में बनियों से सब उधार ही चलता था लाला जी से। सब अंकल लोग मुझे टॉफी चॉकलेट फ्री देते थे, कहते थे आप पंजी बाद में दे देना। पंजी मतलब 5 रुपए? नहीं पंजी 25 पैसे। 5 पैसे? ओ 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। हमारा तो वही जमाना था ना। जमाना पंजी का जमाना था। पंजी में मिलती थी ना हमें चूरन, चूरन की पाइप। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे क्या ही समझेंगे, कहेंगे क्या ही बोल रही है आंटी। बेटा सच है ये बात, मान जो। मक्खियों के लिए देख ले, मक्खियाँ बहुत आ रही है ना। मक्खियों के लिए नहीं आता, कुछ तो होता होगा, पता होगा। एक्स्क्यूज मी, पर स्पेशली कुछ मक्खियों के लिए भी कुछ। कितनी क्रॉक्स लोगी बेबी? हैं? अरे देख रही हूँ बस। यहाँ से मेरे लिए ले सकते हैं ना? ले लो। बॉटल तो है घर में, चेंज कर लेते ना बॉटल भी। अरे 21 रुपए की है? 21 रुपए की? अभी इतना भी नहीं यार। कोको बैठेगा नहीं उसका। ये पार्टी किस खुशी में? वो लेना है ना उसके लिए, बिल्लियों के लिए खाना डाल के स्टोर करने के लिए। ये बड़ा है, इतना ही बड़ा चाहिए ना। हाँ लेकिन ये इसका डब्बा ढक्कन नहीं है शायद। तो मांगो ना किसी से। और मांग रहा है बहुत मांगता है ना, मार दे। Ladies and gentlemen,